हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुशल है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैंजेनियम। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपसे एक स्टडी प्लान टाइम टेबल शेयर कर सकूं जो मैंने खुद बनाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 दिन का लॉकडाउन पूरे देश भर में है और आपके पास एक पूरी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना पूरा फोकस लगा के घर में बैठ के, क्योंकि आपको कहीं बाहर जाना नहीं है तो आप घर में बैठ के अच्छे से पूरी तैयारी से प्रिपरेशन कर सकते हैं जून 2020 में होने वाले यूजीसी नेट एग्जाम की। अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज देते थे कि हम नेट के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे कि मैं बात करूं तो उनमें आते हैं वो लोग जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ उनके हमेशा ये प्रॉब्लम रहती थी कि उनके पास टाइम नहीं रहता है जॉब के साथ, तो वो प्रिपरेशन को पूरा टाइम नहीं दे पाते। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो बिजनेस करते हैं, साथ में वो नेट का एग्जाम देना चाहते हैं मगर उनके पास टाइम नहीं रहता है, दिन भर वो बिजनेस करने के बाद थक जाते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज देते थे कि हमें घर वाले इतना प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिलता, हमें कहीं ना कहीं काम में लगाए रखते हैं तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस नहीं बनता। तो ये उन सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जो हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज देते थे। अब ये वो समय है जहां आपको एक्सक्यूज नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास पूरा समय है प्रिपरेशन करने का, अगर आप पूरा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन लगाएं और जो मैं आपको टाइम टेबल और शेड्यूल अभी बताने जा रहा हूं उसको फॉलो करें, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप इस बार यूजीसी नेट का पेपर हर हालत में क्लियर कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा जो मैं शेड्यूल बना रहा हूं। काफी रिसर्च करने के बाद मैंने ये शेड्यूल तैयार किया है। तो मैंने जो ये शेड्यूल बनाया है वो है सुबह उठने से लेके रात में सोने तक को पूरा कवर करता है। तो ये ध्यान से सुनिएगा जो मैं शेड्यूल आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको पूरा फॉलो कर रहे हैं करेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप जरूर सक्सेसफुल होंगे अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं उस शेड्यूल के साथ। तो अगर आप शेड्यूल की बात करें तो सुबह जैसे मैंने एक नॉर्मल टाइम लिया है जो मैं अपने हिसाब से लिया है, उसको आप अपने उठने के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सुबह 4 बजे उठते हैं, मैं 4 बजे इसलिए कह रहा हूं उसका एक साइंटिफिक फैक्ट है, अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो उसके उस समय आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता क्योंकि आपके घर के बाकी के लोग सोते रहते हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। आप सुबह उठकर फ्रेश होकर अपने एक्सरसाइज करने के बाद एक एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं बैठने के बाद, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई मोबाइल में नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा क्योंकि उस समय मैक्सिमम लोग सोते रहते हैं तो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ऑनलाइन भी नहीं है, टीवी में उस समय कुछ नहीं आता, तो आप पूरी फोकस के साथ उस समय स्टडी कर सकते हैं। तो आप 1 घंटा आराम से योगा करने के बाद, अपनी एक्सरसाइज करने के बाद 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ सकते हैं 2 घंटे लगातार, और आराम से पढ़ पाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। 2 घंटे पढ़ने के बाद आपको लेना है 2.5 घंटे का ब्रेक, जितना आप पढ़ेंगे उससे आधा घंटा और मिलाकर आपको ब्रेक लेना है अपने पढ़ाई के अंदर। तो मान लीजिए आप 5 से 7 पढ़ते हैं, उसके बाद आपको 7 से 9:30 का ब्रेक लेना है। 7 से 9:30 के बीच आप कुछ भी कर सकते हैं घर में अपने, जैसे लॉकडाउन का जैसे मैंने बताया आपको इस समय टाइम टेबल है, या लॉकडाउन नहीं भी होता है तो भी आप जो फॉलो कर सकते हैं अपने घर में मदद कर सकते हैं, झाड़ू लगाना है, अगर पानी भरना रहता है तो पानी भर सकते हैं, बाकी अपनी बाकी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं साथ में। अब 9:30 के बाद आपको 1.5 घंटे पढ़ना है, तो 9:30 से 11 आप पढ़ेंगे। अब आपको एक ऐसा पैटर्न फॉलो करना है कि आपको धीरे धीरे अपने पढ़ाई का टाइम कम करते जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह आप उठने के बाद आप 2 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद आपको 2.5 घंटे का ब्रेक लेना है, जितना आप पढ़ेंगे उससे आधा घंटा मिला के एक ब्रेक लेना है, उसके बाद आपको 1.5 घंटा पढ़ाई करनी है 9:30 से 11, और उसके बाद आप ब्रेक लेंगे आधा घंटा मिला के 2 घंटे का, तो 11 से 1 बजे तक आपका ब्रेक रहेगा, 1 से 2 आप पढ़ाई करेंगे, फिर से 1 घंटा पढ़ना है क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कम होता जाएगा टाइम, 2 घंटे फिर 1.5 घंटे फिर आप 1 घंटे पढ़ेंगे 1 बजे से लेके 2 बजे तक। 2 बजे से 5 बजे तक एक इंटरेस्टिंग आपके पास टाइम टेबल रहेगा जिसमें आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सोशल मीडिया चलाना है, इंटरनेट पे कुछ नया चीज सीखनी है, फैमिली के साथ टाइम बिताना है, थोड़ा रेस्ट करना है, तो वो आप 2 से 5 बजे के बीच में कर सकते हैं ताकि आपके माइंड को भी अच्छा रेस्ट मिल सके इतना पढ़ने के बाद। अब आपको क्या करना है, 5 बजे उठने के बाद आपको पढ़ाई करनी है 45 मिनट, मतलब 5 बजे से लेके 5:45 तक आपको अपनी पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, फिर रात में आपको मात्र आधा घंटा लेना है, उसमें जितना भी आपने दिन भर में पढ़ाई करी है उसको रिवाइज करना है। तो ये हमारा पूरा टाइम टेबल कंप्लीट करता है। रात में फिर आपको सो जाना है, 10 बजे से पहले आपको सो जाना है क्योंकि 10 बजे के बाद आप सोएंगे तो आप 4 बजे सुबह उठ नहीं सकते हैं, इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि 10 बजे तक मैक्सिमम आपको सो जाना है, और सोने से पहले आपको जरूर ये रिवाइज कर लेना है आधे घंटे जो भी आपने पढ़ा है। आप अगर इस पूरे पैटर्न को देखेंगे तो आपने 6 घंटे पढ़ भी लिया
और एक पैटर्न फिक्स नहीं कि आपको दो दो घंटे लगातार ही पढ़ना है, आप आराम से अपना टाइम मैनेज करके दो घंटे फिर डेढ़ घंटे टाइम कम करके, ताकि आपको ऐसा हैवीनेस ना लगे कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ। लगातार आपको 3 से 4 घंटे नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है एक बार बैठ जाएंगे 3-4 घंटे फिर दोबारा नहीं बैठ पाएंगे, तो आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। और मेरे को लगता है अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो जरूर आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो दोस्तों, इस स्टडी टाइम टेबल वाले वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, और खास तौर पर अगर आपको ये स्टडी प्लान और शेड्यूल पसंद आता है तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसको इससे आपको कितनी मदद मिली, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।